हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने फ्रेश कलर्स, मेन कलर से बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। फाविज्म आर्टिस्ट हेनरी मातिस के विषय में। हेनरी मातिस ने प्योर कलर का इस्तेमाल किया है और बहुत ही सरलीकृत आकार में पेंटिंग्स को बनाया है। हेनरी मातिस का जन्म 31 दिसंबर 1869 में हुआ एवं मृत्यु 3 नवंबर 1954 में। मातिस एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्हें जीवंत रंग और सरल रूपों के उपयोग के लिए जाना जाता था। मातिस ने कला के लिए एक नया दृष्टिकोण लाने में मदद की। मातिस एक ड्राफ्टमैन, प्रिंट मेकर और मूर्तिकार थे, लेकिन प्रमुख रूप से उन्हें एक चित्रकार के रूप में जाना जाता है। मातिस को आमतौर पर पाब्लो पिकासो के साथ माना जाता है क्योंकि वह उन कलाकारों में से एक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दृश्य कला के क्रांतिकारी विकास को परिभाषित करने में मदद की थी, जो भारतीय और चित्रकला में महत्वपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार थे। मातिस आधुनिक कला आंदोलन के महान दार्शनिकों में से एक थे। वह बोल्ड प्राथमिक रंगों से मुक्त सरल रंगों के संयोजन का उपयोग करते थे। फाव कलाकारों में केवल मातिस ही एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने रूप से फाववादी सिद्धांतों को विकसित किया और अपने जीवन के अंत तक फाववादी चित्र ही बनाए, जबकि अन्य फाव कलाकारों ने घनवाद के जन्म के पश्चात घनवादी शैली की ओर अपना रुख कर लिया। मातिस का जन्म 31 दिसंबर 1869 को फ्रांस के लेकोटिया कैब्रिस के एक अनाज व्यापारी के परिवार में हुआ था। मातिस की माता एक चित्रकार थी और साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। मातिस के परिवार में सभी को यह विश्वास था कि मातिस अपने पिता के काम को आगे जारी रखेंगे। मातिस के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। उन्होंने 1887 में पेरिस के स्कूल ऑफ लीगल साइंस में कानून की पढ़ाई की। वहाँ पर उन्हें एक वकील के पास क्लर्क की नौकरी मिली। तभी से उनकी रुचि कला के प्रति जागरूक होने लगी। 1890 में हेनरी पथरी की बीमारी से ग्रसित हुए अपेंडिक्स से विकारग्रस्त होने के कारण मातिस को काफ़ी समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। वहीं अस्पताल में उन्होंने पास में एक रोगी को मनोरंजन के लिए चित्रण करते देखा। उसे देखकर मातिस ने मानसिक उदासीनता को हटाने के उद्देश्य से चित्रण करने का विचार किया। मातिस की मां को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनका बेटा चित्रण करना चाहता है, जैसा कि वह पहले ही चाहती थी, क्योंकि वह उनकी मातिस की मां एक स्वयं बहुत अच्छी चित्रकार थी और मैंने पहले भी बताया कि वह मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे का रुझान, उनके बेटे का इंटरेस्ट पेंटिंग में आने लगा है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और वो चाहने लगे कि ये आगे जा कर के एक अच्छा चित्रकार बने। क्योंकि वह मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, इसलिए उनका चित्रण के प्रति रुझान था। उनका मानना था कि बेटा भी चित्रकला के प्रति उदासीन नहीं होगा। इससे पहले मातिस ने रंगीन पोस्टकार्ड की नकल करना आरंभ किया,
जब मातिस ने चित्रण करना शुरू किया तो उन्हें एक नए संसार का परिचय मिला और एक विशेष आनंद की अनुभूति हुई। मातिस इससे इतना मोहित हो गए कि उन्होंने एक कलाकार बनने का फैसला लिया। उन्होंने स्वयं के विषय में लिखा है कि जब मैंने रंग में कार्य शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक तरह के स्वर्ग में पहुंच गया हूं। हर दिन जब मैं बोर हो जाता और हालात से घबरा जाता था तब लोग मुझसे कहते थे कि मुझे चित्रण करना शुरू करना चाहिए। और जब मैंने रंगांकन चित्रण करना शुरू किया तो मैंने खुद को मुक्त और चमत्कार महसूस किया। अस्पताल से घर लौटने के पश्चात फुर्सत के समय में मातिस ने चित्रशाला में जाकर मूर्तियों का अध्ययन शुरू किया। हम अगर किसी भी आर्टिस्ट की बात करें तो हर आर्टिस्ट ने शुरुआती दिनों में किसी न किसी आर्टिस्ट के पेंटिंग की या मूर्ति की कॉपी की है। मातिस ने भी वही किया, मूर्तियों का अध्ययन शुरू किया। 1892 में वह एकेडमी जूलियस में कला का अध्ययन करने के लिए पेरिस लौट आए। यहाँ विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए लुब्र संग्रहालय ले जाया जाता था, जहाँ मातिस ने पुंस, राफेल, जॉर्जियन, देलाक्रा आदि कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई। आरंभ में हेनरी ने पारंपरिक शैली के परिदृश्य चित्रित किए, जिस पर उन्होंने उचित दक्षता भी हासिल की। इसी चित्रशाला में मातिस का परिचय दूफी से हुआ। इसके पश्चात मातिस ने लगातार अध्ययन का चित्रण जारी रखा। 1919 तक मातिस का काम पूरे यूरोप व न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाने लगा, पर 1920 के दशक में वह फ्रांस के दक्षिण में नीस में अपना बाकी समय बिताने लगे। वहाँ मातिस ने पेंटिंग्स, एचिंग, मूर्तियाँ बनाने का काम जारी रखा। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में एक बार फिर सक्रिय सहयोग लेने लगे। उन्होंने न केवल फ्रांसीसी, जर्मन, डच, स्पेनिश कलाकारों का काम किया बल्कि कुछ अमेरिकी प्रवासियों के साथ काम भी किया। 1925 में मातिस को फ्रांस की सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। तब तक वह विश्व ख्याति प्राप्त कर चुके थे। 1930 में मातिस ने दुनिया की सैर करके ताहिती में गोगवा के निवास स्थान को देखा। 1930 के बाद मातिस के काम में एक नया जोश, बोल्ड सरलीकरण दिखाई दिया। 1941 में मातिस को कैंसर हुआ और उन्होंने सर्जरी भी करवाई। सर्जरी में ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया कि वह बेड रेस्ट पर रहे, जिसके बाद वह खड़े होने में भी असमर्थ थे। उस समय वे बिस्तर पर लेटे लेटे ही हाथों में लकड़ी बांधकर व लकड़ी के अगले सिरे पर चारकोल बांधकर भित्ति चित्रण किया करते थे। उस समय पेंटिंग करना व मूर्ति बनाना उनके शरीर के लिए चुनौती बन गया था, इसलिए उन्होंने एक नए प्रकार के माध्यम की ओर रुख किया। उन्होंने कागज़ और कैंची की सहायता से नए फॉर्म को विकसित किया और 3 नवंबर 1954 को दिल का दौरा पड़ने से मातिस की मौत हो गई। उनकी फेमस पेंटिंग्स में से पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश कलर और मूल रंगों से उन्होंने पेंटिंग बनाई है। पोर्ट्रेट, नेक्स्ट है डांस फिगर, इसमें भी उन्होंने फ्रेश कलर, मूल कलर को इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल सपाट दिखाई देते हैं। जॉय ऑफ लाइफ, हर व्यक्ति इंजॉय कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त है, इस तरह से उन्होंने पेंटिंग की शुरुआत की।
थैंक यू।